सो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका माइंग भाई ब्लॉग में। आप लोग लेके आ चुके एक और न्यू ब्लॉग। भाई अभी अपन लोग हैं बड़े गांव गेट साइड। पता चला है यहाँ पे भी काफी बढ़िया मंजा मिलता है अपने यहाँ। चलते हैं अपन लोग बड़े गांव गेट अंदर। अब आप लोगों को शॉप का एड्रेस बता देते हैं कि जैसे अपन लोग बड़े गांव गेट अंदर आते हैं, उधर से भाई मस्जिद की साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड पे जाना है अपन को। अपन लोग आ चुके हैं भाई मस्जिद के जस्ट बगल में। यहीं पे है थोड़ी आगे जाके शॉप, और काफ़ी वैरायटी वाले मंजे रखे हुए हैंगे। चलिए देखते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया था। ये देखिए, ये रही शॉप। अभी भाई काफ़ी सारे मांजे हैं और काफ़ी सारी पतंगें हैं जो अभी अंकल सेट ही कर रहे थे। पतंगों के साथ साथ टॉफ़ी और बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह ये सब भी बेचते हैं। अभी सबसे पहले अपन लोग मांजे देखते हैं। ये भाई कोई नया मांजा लग रहा, वाइट टाइगर करके, 100% कॉटन मांजा है, मेड इन इंडिया है अपना। और ये चेक करते हैं कॉटन मांजा है कि नहीं है। कॉटन मांजा पे धातु यार वो काफ़ी अच्छी है तो भाई कॉटन मांजा ही। तो ये डोर वाला मांजा है, बहुत प्यारा चलता है भाई ये डोर वाला मांजा। और काफ़ी सारे और भी मांजे हैं, जैसे कि इसमें तीन कलर तो ये रहे, पिंक कलर है, ब्लू कलर है और ऑरेंज सा कलर है। और ये हैगा मोनोफिल गोल्ड, ये हैगा मोनोकाइट। ये अभी अपन लोग यूज़ कर रहे थे, इस पर वाइट टाइगर की चिट लगा दी, वो है ना वाइट टाइगर वाला मांजा, उसकी चिट लगा दी गई। इस पर भी काफ़ी अच्छी खासी धार रहेगी। और ये रहा भाई एक और मांजा टुनटुन का, ये तो भाई अभी खुला भी नहीं है और पर्पल कलर का मांजा है। फिर अपन लोग दोबारा आने की कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट में बताना। अपन लोग देख रहे हैं कौन सा मांजा लेना चाहिए कौन सा नहीं, भाई अपन चेक कर रहे हैं। अपन लोग सोच रहे पिंक कलर का मांजा ही करवा लें क्योंकि काफ़ी सही रहेगा जी अभी। और वाइट टाइगर कॉटन मांजे की टेस्टिंग हो जाएगी सबसे बड़ी बात, तो टूट भी बहुत जल्दी जाएगा जी। लो टूट भी है इतनी जल्दी। इसकी जो धार है बहुत कांटेदार है, बहुत कड़क मांजा एक तो सबसे पहली बात तो। और मुझे अभी पहली बार देखने को मिला अपने यहाँ वाइट टाइगर प्रीमियम क्वालिटी मांजा और 100% कॉटन थ्रेड, यही वाला मांजा भरवाते हैं अपनी चरखी में। आइएगा, अभी अपना वाइट टाइगर का प्रीमियम क्वालिटी मांजा भर रहेगा और पिंक कलर का, वो भी बहुत ही प्यारा। चेंज करना पड़ेगा, हाँ 20 का डाल दो। ऐसे में भर लो आप, अभी अपना वाइट टाइगर मांजा भर रहा है भाई। कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, लाइट पिंक कलर। और ये वाला कलर भी और मांजा भी मैंने पहली बार देखा है अपने यहाँ। ये रख दिया अपन ने वाइट टाइगर, मोनोकाइट भी है, टुनटुन भी है, मोनोफिल गोल्ड भी है और वाइट टाइगर भी है। चार तरह के मांजे हैं। कुछ पतंगे दे दो कागज़ वाली आप। क्या रेट की चल रही? 10 की 15 की दो दो पतंगे दे दो आप तो। जी अपन ने दो पतंगे ले ली पेपर वाली मुड्डे, 20 रुपये का मांजा। चलिए भाई घर पे चलते हैं और कहते हैं वाइट टाइगर मांजे की टेस्टिंग। आइएगा, मिलते हैं आपको घर पे। सो फाइनली गाइस, अपन लोग शॉपिंग करके घर पे आ चुके हैं और लेके आ चुके हैं भाई मांजा और पतंग। पतंग तो भाई अपने पास काफ़ी सारी थी, अपन लोग नया मांजा लेके आए वाइट टाइगर का। सिर्फ अपन लोग दो पतंग लेके आए थे, एक ये ब्लू वाली और एक ब्लैक वाली। और भाई ये अपनी पुरानी पतंगें तो रखी हैं काफ़ी सारी और काफ़ी प्यारी पतंग चल रही है ये वाली अपनी। ये वाली पतंग उड़ाएंगे अभी, ये वाली पतंग अभी बचा के रखेंगे। वाइट टाइगर कॉटन मांजा कैसा निकलता है इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है वाइट टाइगर मांजा, हमने तो पहली बार देखा भी यहाँ तक कि। आप लोग बताना अगर आप लोग यहाँ मिलता है तो कमेंट करना, और आप लोग कौन सा मांजा भी काइट फ्लाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कमेंट करके बताना। चलिए अपन लोग काइट फाइटिंग करते हैं विद वाइट टाइगर मांजे के साथ। अभी बस अपना इतना मांजा आया है 20 रुपये का, निकलवाई पकड़े हुए यहाँ से लेके वहाँ तक।
ठीक ठाक मान जाए अभी। चलिए अपन लोग मान जी की टेस्टिंग करते हैं, आइएगा। और साथ ही साथ आप सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई मयंक भाई है राइट हैंड साइड पे और ओपोनेंट अपना लेफ्ट हैंड साइड पे। मयंक भाई का राइट हैंड साइड से नीचे गिरा और ये सबसे भाई अच्छी टेक्निक होती है कि अगर आपका ओपोनेंट अब स्पाइस नहीं लड़ा रहा है तो आप उसके नीचे आके पतंग बिठा लीजिए और ये नीचे ले जाइए और इस तरह भाग गिरा काट है भाई। चलो निखिल भाई चले हैं पतंग के नीचे से और अब बाहर की तरफ खींचेंगे। बहुत बढ़िया आईपो। और ये बहुत दूर पे पैच हुआ था तो भाई जूम करके नहीं दिखा पाया आपको। नेक्स्ट पतंग से लड़ाने जा रहे हैं पल्लू। अभी निखिल भाई वाइट कलर की पन्नी की पतंग से लड़ाने जा रहे हैं। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट भी है और धुंध में दिख भी नहीं रही क्योंकि शाम को हो गई धुंध काफ़ी ज़्यादा। आईपो बहुत तेज आई से पैच हुआ था, एकदम ही पैच हुआ और एकदम ही भैया ने उसकी पतंग काट दी है ट्रांसपेरेंट वाले की। भाई दोबारा से पैच लड़ा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पैच हो चुके हैं, अभी नीचे से निखिल भाई हैं और आईपो बहुत बढ़िया काटी है और उसकी पतंग भाई तो इतनी जल्दी गिरी। और ये निखिल भाई पतंग अपनी खींचते हुए ऊपर ले गए हैं। भाई अपन लोग एक पैच और लड़ाने चल रहे हैं, नीचे से है निखिल भाई और येलो कलर की और भाई इतने में बोल ही रहे थे आईपो बहुत बढ़िया यार, क्या पैच काटा यार। ये देखो 2024 डायमंड बन के आ गए भाई। व्हाइट टाइगर मान जी की टेस्टिंग बड़ी कर ही रही यार, काफी बढ़िया पैच काट रहा है यार, खींच में भी और ढील में भी और तुनकी में भी। चलिए नेक्स्ट पतंग से लड़ाते हैं, आइएगा। ये निखिल भाई है पतंग के नीचे और पन्नी की पतंग से पहले लड़ाने जा रहे हैं, अब देखते हैं। बस 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 खींची और भाई ने और बहुत बढ़िया आईपो। अभी अपने यहाँ क्या है, धुआं आ गया एकदम ही स्टार्ट। भाई निखिल भाई जा रहे हैं पैच लड़ाने के लिए और ये उन्होंने नीचे तो ले गए काफ़ी अच्छा खासा। और ये आईपो पहले ही कह दे रहा है, ये तो आईपो। कितनी सारी पतंग कट चुकी है वाइट टाइगर मंजे से, मज़ा आ गया। भाई दोबारा से फिर से पैच लड़ाते हैं, वो पैच हो गए, पैच हो गए, एक और काटे भाई। निखिल भाई एक और पैच लेने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं भाई क्या कहते हैं। और ये देखिए सही एंगल बना दिया है भाई, कह रहा है अभी बाहर की तरफ निकालिए बाहर की तरफ और लटक गए भाई पैच यहाँ पे है। ये देख लीजिए निखिल भाई की पतंग ऊपर है और कन्ने से पैच हो गए, अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। आईपो बहुत बढ़िया रेड कलर की पतंग काटी है और ये जा रही है पतंग कटते हुए। देखो एक और नया पैच लड़ाने जा रहे हैं अभी निखिल भाई, नीचे से जा रहे हैं ब्लैक कलर के और वाइट कलर के मुड्ढे से। ले भाई ने निपटा दी, ये देख लीजिए भाई पहली काट दी है ब्लू कलर की पतंग ने। चलिए भाई निखिल भाई एक और पैर लड़ाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। उनकी भी घूम रही और नहीं 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 विदे हैं। आईपो अभी एक और पैच लड़ाने जा रहे हैं भाई निखिल भाई और ये नीचे अपोनेंट के और पन्नी की पतंग उसके ऊपर है। हल्का हल्का सा रखो बस। आईपो ये देखिए भाई टंकी के पीछे थी अपनी पतंग और भाई काट के आ चुके हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है यार वाइट टाइगर मान जी की, बढ़िया टेस्टिंग चल रही है। चलिए भाई निखिल भाई है नीचे और खड़ी नहीं मार देना भाई। आईपो चलतन साथ। तो फाइनली गाइस व्हाइट टाइगर मांझे की टेस्टिंग कर ली अपन ने। तो भाई ये बताएंगे जो व्हाइट टाइगर मांझा था वो कैसा था? जो व्हाइट टाइगर मांझा था बहुत अच्छा था, जो कुछ मैंने सीखा वो मयंक भाई से सीखा। आप लोग भी ऐसा नहीं है, आप लोग ही सीख सकते मयंक भाई से, लगातार रहेंगे ब्लॉग देखते रहेंगे तो आपको भी भाई पतंगबाजी आ जाएगी। और भाई हर बात अगर आपको मयंक भाई बोल के बताएंगे ना और सिखाएंगे उतने अच्छे नहीं सीख पाओगे। जो मयंक भाई प्रैक्टिकल करते हैं ना आप सेम वो रिपीट करते हैं। देखो ये नीचे ले आ रहे ऐसे करके बना रहे, आपको पता चल रहा है मयंक भाई हर बार आपको बता रहे, जो मयंक भाई कर रहे हैं ना आप उसको सेम रिपीट कर दें आप उतने पतंगबाजी सीख जाएंगे। और स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको एक दो गलतियां करेंगे, भाई मेरे से भी बहुत हुई है, मयंक भाई ने मुझे बहुत बार, मतलब ऐसा नहीं होता कि डीमोटिवेट करते लोग कि भाई आपने गलत काम कर दिया, लेकिन नहीं भाई मयंक भाई ने नहीं करा, मयंक भाई ने अप्रिशिएट करा, कह रहे दोबारा ट्राई करो। इसमें भाई हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, आप पतंग उड़ाने पहले आप खींच के प्रैक्टिस करें और लगातार कई बार करें, ऐसे भाई पूरी पतंग को नीचे ले आएँ फिर उतारें फिर चढ़ाएं और उस पतंग को खींचें पूरी पूरी स्पीड से, तो भाई इससे क्या है पैच में थोड़ा सुधार आएगा। ये हम ऐड करना चाहते थे इस बात पे कि प्रैक्टिस भाई इसमें गेम है प्रैक्टिस का। जब भी आप पतंग उड़ाएं कोई सी भी तो उससे पहले चेक कर लें भाई कि पतंग सही चल रही कि नहीं चल रही, इससे वाकई में पैच काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। पता चले अपन ने 20 रुपये का मंजा लगा रखा और 5 रुपये की या 10 रुपये की पतंग है तो पतंग बेकार है, उसके चक्कर में मंजा का भी नुकसान हो रहा है और पतंग तो जानी जानी हो तो लिखित है। और कोशिश करें कि आप पन्नी की पतंग की जगह कागज की पतंग उड़ाएं, उससे भाई आपकी खेत अच्छी होगी। चलिए भाई व्हाइट टाइगर मान जाएगी आपको टेस्टिंग कैसी लगी तो कमेंट में बताना और इसके बाद कौन से मांझे की टेस्टिंग चाहिए आप लोग वो भी कमेंट में लिखिएगा। तो भाई काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे ये वाला मांझा दिलवा दिए या ये वाला मांझा दिलवा दिए, तो भाई आप खुद ही आके शॉप से आके ले जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और साथ ही साथ आपको व्हाइट टाइगर मांझे की टेस्टिंग कैसी लगी। आप लोग और मांझे की टेस्टिंग चाहिए तो कमेंट बताना, इस वीडियो को लेकर ज़्यादा शेयर करना व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने काइड लवर फ्रेंडों को और भाई फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खत्म, टाटा बाय बाय।